हैं, आ, हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स हैं उसकी हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं ठीक है ये आप लोग सर्वे में डिटेल में पढ़ भी चुके हैं लेकिन चूंकि इस कोर्स का भी थोड़ा सा हिस्सा है तो हम एक ओवरव्यू दे देते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कर्व कौन सी होती है इसमें आपके पास एक सिंपल कर्व है ठीक है सिंपल कर्व क्या होता है एक एक सिंपल सर्कुलर आर्क जो कि टू टेंजेंट्स को कनेक्ट करता है बस वी कॉल इट अ सिंपल कर्व ठीक है एक कर्व है ठीक है दिस विच हैज ओनली वन रेडियस एंड विच कनेक्ट्स बिटवीन टू टेंजेंट्स ठीक है यानी एक टेंजेंट है एक टेंजेंट आपके पास ये है उन दोनों के दरमियान एक सर्कुलर आर्क जो है वो हम कहला वो कहलाता है बेसिकली सिंपल कर्व ठीक है दूसरा कर्व्स हमारे पास होती है कंपाउंड कर्व्स जो सिंपल कर्व है उसमें एक ही रेडियस होता है जो कि कंपाउंड कर्व है दैट कंसिस्ट और कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर सर्कुलर आर्क्स जब आपके पास कोई ऐसा कर्व हो जो दो या दो से ज्यादा के ऊपर मुश्तमिल हो तो वो फिर कंपाउंड कर्व कहलाता है लेकिन वो दो कर्व्स जिनके रेडियाई जिनका सेंटर ऑफ द रेडियस जो है वो अलोंग द सेम साइड हो द रेडियस आर डिफरेंट ठीक है यानी ये देखें एक कर्व ये है एक कर्व आपके पास ये है दे आर आर टू कर्व्स Both will be having different radiuses, R1 and R2. Both are different, okay. And the center of the radius will lie on the same side, okay. Eka center of the radius, ye hai. center of the radius, ye hai. So, the center of those kind of a curve, which is composed of two or more circular arcs having different radii.

कंपाउंड uh, कर्फ जो है डिपेंड uh, करता है हम मुख्त लोकेशन में इंटरचेंजेस में या इंटरसेक्शन वगैरह में कंपाउंड कर्फ दे सकते हैं यूजली नॉर्मली हम क्या करते हैं जो प्लेन एरिया होती है जो हम उसमें क्या होता है कि हम सिंपल दो, सिंपल दो कर्व ही ज्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें हम दो टेंजेंट्स को आपस में कनेक्ट कर रहे होते हैं ठीक है तो कंपाउंड कर्व का डिजाइन थोड़ा सा मुश्किल है आ, इस वजह से ये ज्यादा प्रेफर नहीं की जाती ठीक है और, और ड्राइवर भी अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि आप सेम स्पीड मेंटेन नहीं रख सकते ठीक है तो विद इन द रोड सेक्शन जो बीच में होती है वहां पे आप कंपाउंड कर्व नहीं प्रेफर करते हैं ठीक है क्योंकि वहां पे सिर्फ सिंपल कर्व ही दिया जा, दिया, जाता है जब आप इंटरचेंज या इंटरसेक्शन की तरफ आते हैं तो वहां पे आप ये ये मुख्तलिफ किस्म की कर्व दे सकते हैं लाइक कंपाउंड कर्व वगैरह वगैरह ठीक है नॉर्मल जो आपके पास सीधी रोड होती है और सीधी रोड से आप अः दूसरे रोड पे कन्वर्ट हो रहे होते हैं यानी सेम एलाइमेंट के अंदर सेम पाथवे के अंदर ठीक है वहां पे आप फिर ये नहीं प्रोवाइड करते हैं कंपाउंड कर्व दूसरी होती है तीसरी होती है हमारे पास स्पायरल कर्व को हम ट्रांजिशन कर्व भी कहते हैं दोनों सेम हैं। ठीक है, कर्व या ट्रांजिशन कर्व उन कर्व्स को कहा जाता है जिनका रेडियस एक नहीं होता स्पायरल और ट्रांजिशन कर्व आर दो विच डेव द सेम रेडिया एंड देयर रेडियस चेंजेस कॉन्स्टेंटली ठीक है लेंथ के साथ साथ इसका रेडियस चेंज हो रहा होता है ठीक है इसको ट्रांजिशन कर्व कर्व क्यों कहा जाता है, या को इसलिए कहा जाता है कि कभी कभार ये होता है कि आप कर्व में फर्दर स्मूथनेस लाने के लिए देखें आपके पास एक सर्कुलर आर्क है ठीक है सिंपल सर्कुलर कर्व अब ये टेंजेंट आ रही है ये इस टेंजेंट को अगर आप डायरेक्टली इस सर्कुलर कर्व के साथ मिलाते हैं तो ड्राइवर क्या होगा एक स्मूथ ट्रांजिशन ड्राइवर की नहीं होगी ड्राइवर को एक जंप फील होगा ठीक है राइड में अनकंफर्टेबल फील करेगा वो तो इन ऑर्डर टू हैव अ स्मूथ ट्रांजिशन हम क्या किया जाता है डिजाइनर सर्कुलर कर्व और टेंजेंट के बीच में एक छोटा सा कर्व प्रोवाइड करता है सर्कुलर कर्व और टेंजेंट के बीच में देखें ये सर्कुलर कर्व है ये टेंजेंट है इन दोनों के बीच में एक छोटा सा uh, कर्फ uh, प्रोवाइड करते हैं किया जाता है ताकि इस टेंजेंट से कर्व uh, uh, तक जो है इसकी ट्रांजिशन स्मूथ हो uh, इसका जो रेडियस है ये यह देखें यहां पे इसका रेडियस बराबर होता है बिल्कुल टेंजेंट के टेंजेंट का रेडियस क्या होता है जीरो ठीक है इंफिनिटी सॉरी टेंजेंट का जो रेडियस होता है वो है इन्फिनिटी और इंफिनिटी से ये इंक्रीज होता है ये देखें उस रेडियस की तरफ जितना कर्व का रेडियस है तो एक एंड पे इसका रेडियस बराबर होता है किसके सर्कुलर एक्चुअल सर्कुलर कर्व के रेडियस के और दूसरे एंड पे इसका रेडियस बराबर होता है टेंजेंट के रेडियस की ठीक है तो दोनों कॉर्नर फेस का रेडियस चेंज होता है फ्रॉम इंफिनिटी टू द टू द एक्चुअल रेडियस ऑफ द कर्व ठीक है तो ये जो स्मॉल पोर्शन है ये जो स्मॉल कर्व है दिस इज कॉल्ड स्पाइरल कर्व या ट्रांजिशन कर्व ठीक है यहाँ पे इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया है कि वो रेडियस डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली यानी डिक्रीज होता है कहाँ से डिक्रीज होता है पहले इनफिनिटी है एट द टेंजेंट टेंजेंट पे इसका इसकी जो कर्वेचर uh, है या इसका जो रेडियस है वो इनफिनिटी के बराबर होता है जबकि कर्फ साइड पे इसका रेडियस रिड्यूस हो के के रेडियस के बराबर आ जाता है ठीक है आई होप दिस इज क्लियर ठीक है तो ये भी प्रोवाइड करते, करते हैं किस्म है, की है, वो किस पॉलिसी uh, को एडॉप्ट करती है ठीक है uh, दीसरा जो हमारे पास कर्फ है दैट इज रिवर्स रिवर्स कर्व कौन सी होती है इट इज अगेन कंजिस्ट ऑफ टू सर्कुलर आर्क्स दो सर्कुलर आर्स के पर मुश्तम होती है लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो सेंटर ऑफ द रेडियस है वो अपोजिट साइड पे होता है यहां पे आप देख सकते हैं देखें एक कर्व ये है एक कर्व ये है दो सर्कुलर आर्क्स के ऊपर मुश्तमल है एक एग्जाम्पल है विथ टेंजेंट का इसके बीच में टेंजेंट मौजूद है और इसके बीच में कोई टेंजेंट शेंजेंट मौजूद नहीं है दो सर्कुलर आर्क डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हुए हैं ठीक है आ, इस किस्म की कर्ज जो है ज्यादातर रिकमेंड नहीं की जाती क्योंकि ड्राइवर जो है बहुत डिफिकल्ट फील करता है इस कर्व के ऊपर जाते हुए ठीक है यानी पहले उसको आउटवर्ड पुश लगती है फिर उसको इनवर्ड पुश कर लगती है तो एक सेम स्पीड को मेंटेन रखते हुए ड्राइवर को अगर आपने खुद भी आ, आप गाड़ी चला रहे हैं और इस तरह की रिवर्स कर्व आपको कहीं पे मिले हैं तो आप जो है और श, ओ,

और कंपाउंड कर्व में फर्क क्या है वट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस कर्व एंड अ कंपाउंड कर्व कंपाउंड कर्व जो है वो uh, उसमें जो रेडियस का सेंटर है वो सेम साइड पे होता है यहाँ पे सेंटर ऑफ द रेडियस इज ऑन द अपोजिट साइड यहाँ पे देखें एक का रेडियस ये है सेंटर ऑफ द रेडियस दूसरा क्या सेंटर ऑफ द रेडियस ये है यहाँ पे सेंटर ऑफ द रेडियस इस साइड पे है और सेंटर इसमें Center of the radius, थोड़ा सा आप इमेजेस में भी आप देख सकते हैं कि ये देखिये ये प्योर टेंजेंड है प्योर टेंजेंड मतलब सीधी रोड बिल्कुल सीधी रोड अब जो सीधी रोड होती है उसका अगर आपसे कोई पूछे वट इज द रेडियस ऑफ टेंजेंट या वट इज द रेडियस ऑफ स्ट्रेट रोड तो यहाँ पे देखें थोड़ा सा आपको शायद छोटा सा नजर आ रहा है बट दिस यहां पे देखें इन्फिनिटी अगर आपसे कोई पूछे तो कि सीधी रोड का रेडियस कितना होता है तो आपने क्या बोलना है इन्फिनिटी के बराबर होता है ठीक है दूसरा आपके पास सिंपल कर्व है ये देखें ये सिंपल कर्व है ये उसकी इमेज में आप देख सकते हैं जो सिंपल कर्व है उसका रेडियस क्या होता है कांस्टेंट एक ही रेडियस उसका होता है अगर आप आप रेडियस मालूम करते हैं और रेडियस आपके पास आता है 500 फीट तो फाइव हंड्रेड फीट का क्या मतलब है यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो कांस्टेंट होगा और वो 500 फीट ही रहेगा एट एवरी पॉइंट जो तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल है वो टेंजन टू सर्कुलर कर्व का है टेंजन टू सर्कुलर कर्व से क्या मुराद है ये यह देखें यहां पर टेंजन है इस पॉइंट तक और इस पॉइंट के बाद क्या शुरू हो जाता है सर्कुलर कर्व शुरू होता है तो इसमें ये कि टेंजेंट का जो स्लोप है वो रेडियस है वो इंफिनिटी है और सर्कुलर आर्क का जो स्लोप है जो सिंपल सर्कुलर कर्व है वो कोई भी रेडियस हो सकता है बट द रेडियस वुड बी कॉन्स्टेंट जो तीसरा एग्जांपल है वो आपके पास क्या होगा टेंजेंट टू स्पायरल कर्व टू सर्कुलर कर्व यानी पहला टेंजेंट होगा फिर बीच में स्पायरल या ट्रांजिशन कर्व होगी फिर आपके पास सर्कुलर कर्व होगा तो देखें टेंजेंट ये सीधी रोड है यहां से यहां तक जिसका रेडियस आपके पास कितना है इंफिनिटी है फिर तो इसके बाद यहां से यहां तक जो है वो स्पायरल कर्व है या ट्रांजिशन कर्व है और यहां पे आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन कर्व का जो रेडियस है वो क्या है वेरिएबल है वेरिएबल तो वेरिएबल का क्या मतलब है कि द स्लोप इज चेंजिंग ठीक है और यहां पे आप देख सकते हैं ओके ये इस पॉइंट से आपका एक्चुअल कर्व स्टार्ट होता है एंड यहाँ पे फिर रेडियस आपके पास कांस्टेंट uh, हो जाता है तो ये मुख्तलिफ किस्म की केसेस आपके पास हो सकती हैं जब आप कर्व को uh, उसको उसका लेआउट या उसको डिजाइन करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि सर्कुलर कर्व में इस्तेमाल होती है और वो है आपके पास डिग्री ऑफ कर्वेचर जो आपके पास सर्कुलर कर्व्स होती हैं जो कर्व्स होती हैं वो हम दो क्वांटिटेटिवली uh, हम दो पैरामीटर से उसको डिफाइन करते हैं एक तो हमारे पास रेडियस होता है रेडियस से हमें पता चल जाता है कि ये जो ये जो कर्व है ये कितना फ्लैट है या कितना स्टीप है या फिर हम इसको क्वांटिफाई करते हैं थ्रू डिग्री ऑफ रेडियस डिग्री ऑफ कर्वेचर एक किस के, के, के थ्रू हम इसको क्वांटिफाई करते रहे हैं थ्रू रेडियस ऑफ द कर्व थ्रू रेडियस और दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है जिसकी हम इसको जिसकी मदद मतलब से हम इसको क्वांटिफाई करते हैं वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों सेम चीजें हैं और दोनों आपको सेम इंफॉर्मेशन देती हैं लेकिन इनकी यूनिट सिर्फ मुख्तलिफ हैं ठीक है एक आप दोनों आपको बताती हैं स्टीपनेस ऑफ द कर्वेचर ठीक है कि अगर रेडियस आपके पास कम है इफ द रेडियस इज स्मॉल तो आपके पास कर्व क्या होगा स्टीप होगा और शार्प होगा ये इस तरह अगर रेडियस आप इंक्रीज करते हैं तो कर्व जो है वो फ्लैट होगा एंड uh, उसकी स्टीपनेस कम होगी स्मूथ होगा तो जितना कर्व आपके पास स्मूथ होगा उतनी ही उसकी रेडियस आर की वैल्यू Uh, जो है वो इंक्रीज आएगी और जितना आपके पास रेडियस जो है वो रिड्यूस uh, होगा तो उससे क्या होगा उतना ही आपके पास जो कर्व है उसका रेडियस डिक्रीज होगा सेम जो है आप डिग्री ऑफ कर्वेचर की भी यही एग्जाम्पल है कि जितने आपके पास डिग्री ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उतना ही आपके पास जो है वो uh, उतना ही आपके पास क्या होगा उतना ही कर्व आपके पास फ्लैट होगा और जितना ही डिग्री ऑफ कर्वेचर आपके पास कम होगा उतना ही आपके पास कर्व स्टीप होगा। uh, अब आते हैं कि डिग्री ऑफ कर्वेचर। डिग्री ऑफ कर्वेचर है क्या चीज और ये कैसे डिफरेंट है फ्रॉम नॉर्मल डिग्री फ्रॉम नॉर्मल एंगल डिग्री ऑफ कर्वेचर इज बेसिकली डिग्री ऑफ कर्वेचर इज एन आर्क ऑफ हंड्रेड फीट लेंथ क्या है एक आर्क होती है ये यहां पे आप देख सकते हैं देर इज एन आर्क ऑफ हंड्रेड फीट अब वो हंड्रेड फीट आर्क जितना एंगल बनाता है सेंटर के साथ दैट एंगल वुड बी कॉल्ड एज डिग्री ऑफ करवेचर ठीक है व्हाट इज डिग्री ऑफ करवेचर एक हंड्रेड फीट आर्क लेंथ ठीक है जितना रेडियस सेंटर के साथ कॉन्स्टिट्यूट करता है जो बनाता है फॉर एग्जाम्पल ये देखें हंड्रेड फीट आर्क है ये आप देख सकते हैं और वो सेंटर के साथ जितना एंगल बना रहा है ठीक वाला, वाला है नॉर्मल वाला, वाला. वाला ये आप जब आप के साथ हंड्रेड फीट आर्क लेंथ कवर करते हैं और वो जितना डिस्ट, जितना एंगल बनाता है तो वो आपके पास कहलाता है डिग्री ऑफ कर्वेचर फॉर एग्जाम्पल आपने यहां से यहां तक जो है हंड्रेड फीट आर्क लेंथ मूव किया और उस हंड्रेड फीट आर्क लेंथ में आपने देखा कि ये बना रहा है आपके पास फोर डिग्री समझ आ रही ये जो यहां से यहां तक आपने तेडोलाइट को मूव किया या कम प्रोटेक्टर को तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो एंगल था वो था फोर डिग्री अब ये फोर डिग्री क्या कहलाएगा दैट वुड बी कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ कर्वेचर हम फिर कहेंगे कि ये जो कर्व है ये फोर डिग्री कर्व है तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर हंड्रेड फीट जो आर्क है वो ये फोर डिग्री का कर्व फोर डिग्री एंगल बनाता है ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी फिर फोर डिग्री होगा ये भी फोर डिग्री हो बनाएगा ये भी फोर हो, डिग्री होगा ये भी फोर डिग्री होगा तो हंड्रेड फीट आर्क लेंथ जो फोर डिग्री जो एंगल कॉन्स्टिट्यूट करता है ये जरूरी नहीं है कि फोर डिग्री हो ये डी आपके पास अगर टू 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 डिग्री एंगल बनाता है सेंटर के साथ तो ये फिर क्या कहलाएगा ये कर्फ कहलाएगा ये पूरा कर् कहलाएगा कि ये टू डिग्री कर्व है ये एज अ होल को हम हम फिर क्यों इससे डेजिग्नेट करते क्योंकि ये जो एंगल बनाएगा ये फिर हर हंड्रेड फीट पे सेम एंगल होगा ये तमाम डीज जो हैं वो फिर आपके पास सेम होंगी ठीक है तो डिग्री ऑफ कर्व क्या है या डिग्री ऑफ कर्वेचर इट इज द एंगल मालूम करें कि वो सेंटर के साथ कितना एंगल बना रहे हैं। वो जितना एंगल बनाएगा वो इस कर्व का डिग्री ऑफ कर्चर कहलाएगा अब ये एंगल जरूरी कांस्टेंट नहीं होगा कोई भी एंगल बना सकता है टू एंगल थ्री एंगल डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर इस हंड्रेड फीट आरथ की करवेचर की स्टीपनेस के ऊपर डिपेंड करता है अगर ये बहुत स्टीप होगा ठीक है तो ये एंगल डिफरेंट बनाएगा और अगर ये फ्लैट होगा तो ये हंड्रेड फीट फिर डिफरेंट बनाएगा ठीक है तो इससे ये मैंने आपको शुरू में बताया कि डिग्री ऑफ कर्वेचर से हमें पता चलता है कि एंगल जो है कितना स्टीप है और कितना फ्लैट है ये देखें, ये देखें ज्यादा डी बनाएगा क्योंकि ये फ्लैट है और इसका डी क्या होगा कम होगा तो यहां पे, example, का, कर्व है या का होगा तो यहाँ पे पर उसके मुकाबले में थ्री डिग्री या फोर डिग्री का होगा अच्छा आ, उसी डिग्री ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ द कर्व के दरमियान भी हमारे पास एक रिलेशनशिप है आपके पास देखें आपके पास कैलकुलेटर होना चाहिए आज ठीक है और आपके पास रजिस्टर होने चाहिए ताकि आप जो है वो अगर हम कैलकुलेटर वगैरह आपके पास मौजूद होना चाहिए कैलकुलेटर रजिस्टर और आ, पेज वगैरह या रिलेशनशिप ये अपने पास नोट करें आगे, आगे आपको बहुत काम आएगा आर इज इक्वल टू फाइव सेवन थ्री जीरो इसमें रिलेशनशिप क्या है ये बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री ऑफ कर्वेचर डी एंड द रेडियस ऑफ द कर्व आर अगर आपको डिग्री ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो उससे आप आर मालूम कर सकते हैं यानी रेडियस ऑफ द कर्व कैसे इफ यू हैव इफ अगर आपके पास डिग्री ऑफ द कर्वेचर जो है वो डी बराबर है फोर के फोर डिग्री के या थ्री डिग्री के बराबर है थ्री डिग्री के बराबर है तो आप आर मालूम कर सकते हैं उस कर्व का रेडियस क्या होगा अगर उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर थ्री हो तो ये आपके पास होगा फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है जब आप इसको थ्री से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय वन नाइन वन जीरो वन नाइन वन जीरो एग्जैक्टली तो ये आपके पास वन नाइन वन जीरो बट ये जो कन्वर्जन है ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द रेडियस ऑफ द करवेचर वुल बी इन फीट अब सिमिलरली ये आप अगर आपके पास आर हम गिवन है और आप उससे डी मालूम करना चाहते हैं तो वही तरीका है इस फॉर्मूले को आप रीअरेंज uh, कर सकते हैं और वो फिर फार्मूला क्या बनेगा D इज इक्वल टू फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय R तो ये फार्मूला इंटर इंटरकन्वर्टेबल है इंटरचेंजेबल है यू कैन यूज द फार्मूला बोथ टू 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 फाइंड द डिग्री ऑफ कर्वेचर इफ द रेडियस ऑफ द कर्वेचर इज गिवन

फॉर्मूला डेवलप हुआ है कैसे देखें यू ऑलरेडी नो कि एक डिग्री ऑफ कर्वेचर क्या है एक डिग्री ऑफ कर्वेचर 100 फीट आर्क के बराबर है ठीक है अगर आर्क लेंथ का लेंथ 100 फीट होगा तो उसका जो एंगल है वो कितना एंगल होगा डिग्री ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा कि नहीं ठीक है सिमिलरली अगर आपके पास पूरा सर्कल है यानी ये, ये पूरा ठीक है, तो ये पूरा इस पूरे सर्कल का लेंथ क्या होगा इसके circumference के बराबर होगा कि नहीं इस पूरे सर्कल का डी में डी तो क्या है डी तो ये अगर ये अर्क हंड्रेड फीट होगा तो तब ये आ, आ, आर्क जो 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 डिग्री ऑफ कर्मेचर के बराबर होगा उसका एंगल लेकिन अगर आपके पास पूरा सर्कुलर आर्क है तो उसका लेंथ बराबर होगा इस पूरे सर्कुलर आर्क के के तो आपके पास का फार्मूला क्या है टू पाई आर, ठीक है तो टू पाई आर अगर आप कवर करते हैं तो वो कितने एंगल के बराबर होगा वो तो हमें पता है कि वो 360 डिग्री के बराबर होता है क्या मतलब है अगर 100 फीट आर्क लेंथ हो तो उसका डिग्री ऑफ कर्वेचर डी के बराबर होगा जो कि कुछ भी हो सकता है टू डिग्री थ्री डिग्री फोर डिग्री फाइव डिग्री कुछ भी हो सकता है सिमिलरली अगर हम अराउंड द सर्कल टोटल कंप्लीट सर्कुलर आर्क ट्रेवल करेंगे तो उसका सरकम के बराबर लेंथ होगा ना वो लेंथ फिर सर्कल कर् सर्कल के सर्कम्फेरेंस uh, के बराबर होगा और पूरे सर्कल में हम कितने को डिग्री कवर कर रहे होते हैं वो 360 डिग्री तो ये आपस में ही देखे एक रेशो बन गया है और उस रेशियो से फिर आप डिटरमाइन करते हैं डी और आर की वैल्यू कैसे आप डिटरमाइन करोगे डी और आर की वैल्यू अगर मैं डी मालूम करना चाहता हूं तो ये थ्री सिक्सटी डिग्री इधर आ जाएगा तो डी विल बी इक्वल टू डी विल बी इक्वल टू हंड्रेड ये देखें 360 डिग्री इधर डिवाइड है तो इस तरफ आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाय ये टू पाईआर अपनी जगह पे आ जाएगा ठीक है ये आपके पास देखें इक्वल टू हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई टू टू पाईआर अब आप जरा डिवाइड करें हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई टू इंटू पाई पाई की जगह आप थ्री पॉइंट वन फोर लिख सकते हैं पाई की जगह आप यू कैन यूज थ्री पॉइंट न फोर या कैलकुलेटर में जो पाई की वैल्यू है वो आप लिख लें तो ज्यादा प्रिसाइज आंसर आएगा ठीक है ठीक है ये देखें इक्वल टू फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइड बाई आर आएगा कि नहीं आएगा ठीक है देखें हंड्रेड इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइड बाई टू पाई करें तो आर तो नीचे अपनी जगह रह जाएगा और ऊपर आपके पास बन जाएगा फाइव सेवन थ्री जीरो तो इस तरह ये फार्मूला डिराइव हुआ है इसी सिमिलरली अगर आपने आर निकालना है तो आर को इधर ले आए डी को इधर ले आए यू कैन फाइंड जो जो दूसरा इसका ये वाला पैटर्न है आर इज इक्ल टू फाइव सेवन थ्री जीरो निकालना है तो आर को इधर ले आए और डी को इधर ले आए यू विल अगेन फाइंड द सेम फार्मूला तो आई होप दिस इज क्लियर कि ये फार्मूला किस तरह डिराइव हुए और किस तरह आपके पास आया है Uh, आगे बढ़ते हैं द सेकेंड टर्मिनोलॉजी विच इज इंपॉर्टेंट इन डिटरमाइनिंग द कर्फ पैरामीटर्स डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द कर्फ एंड वन ऑफ दम इज देंथ ऑफ द कर्फ ठीक है जो लेंथ ऑफ द कर्व है देंथ ऑफ द कर्फ डिराइव डायरेक्टली फ्रॉम द आर डिफिनेशन ऑफ द कर्वेचर जो पिछला हमारे पास आर डिफिनेशन था उसी से डिराइव हुआ है

हंड्रेड फीट की लेंथ है फीट फीट ठीक है 100 की है की लेंथ तो वो जो सेंटर के साथ एंगल बनाएगा वो कितना होगा वो किसके बराबर होगा वो डी के बराबर होगा कि नहीं ठीक है सिमिलरली ये तो हंड्रेड फीट आर्क है लेकिन अगर हम टोटल लेंथ ऑफ द कि पूरे आर्क का लेंथ के बराबर हो एल के If if the 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 total total angle, length of टोटल एंगल इफ to wo तो वो sath के साथ कितना angle बनाएगा वो तो हमें पता नहीं है तो वो हम designate करते हैं किस चीज के साथ delta के साथ दोबारा main explain कर रहा hu अगर 100 feet आपके पास arc length है तो वो कितना एंगल बनाएगा सेंटर के साथ वो डिग्री ऑफ curvature के बराबर एंगल बनाएगा अगर हमारे पास टोटल लेंथ ऑफ द कर्व हो एल तो वो सेंटर के साथ कितना एंगल बनाएगा वो डेल्टा के बराबर एंगल बनाएगा ठीक है ये यह यहां पे इस इमेज में भी आप देख सकते हैं देखें ये पूरा आर्क लेंथ है कि नहीं है ये यह? यहां पे आप देख सकते हैं दिस इज कंप्लीट सर्कल ये कंप्लीट सर्कल है आपके पास और ये कंप्लीट सर्कल जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है वो ये तो एक साइड डेल्टा बाई टू के बराबर है दूसरा साइड भी डेल्टा बाई टू के बराबर है ये टोटल जो है वो किसके बराबर होगा टोटल फिर हम डेल्टा के बराबर लेते हैं हाँ, ये टोटल जो हमारे पास है वो हम बराबर लेते हैं डेल्टा के ठीक है तो यही एग्जाम्पल यहां पे भी, भी है कि अगर आपके पास टोटल लेंथ ऑफ द कर्व है एल तो वो सेंटर के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं डेल्टा के साथ और 100 फीट आर्क लेंथ जो सेंटर के साथ एंगल बनाता है उसको हम डेजिग्नेट करते हैं डी के साथ ठीक है यानी वो डिग्री ऑफ कर्वेचर के के बराबर होगा एज फ्रॉम द डिफिनेशन जो हमने पिछला डिफिनेशन आर्क डिग्री ऑफ कर्वेचर की डिफिनेशन कर ली उसी से आप ये देखें ये ये रेशियो uh, डेवलप करते हैं कि ये देखें डी अगर आप डी यानी एक जो डिग्री ऑफ कर्वेचर का एंगल है वो कितने आर्क लेंथ के बराबर है हंड्रेड फीट के तो डी डिवाइडेड by हंड्रेड अगर हंड्रेड फीट आर्क हम लेते हैं तो वो एक डिग्री ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है और अगर पूरा लेंथ हम लेते हैं तो वो किसके बराबर होगा वो डिग्री डेल्टा दे, के बराबर होगा ये देखिए ये सिंपल रेशो वो रेशो के मेथड आप लोगों ने मेट्रिक में पढ़े होंगे जब भी हम रेशो लेते हैं तो जो चीजें नोमेटर में लेते हैं उसकी अपोजिंग भी वही नोमेटर में लेंगे जो डिनोमिनेटर में लेंगे उसके अपोजिंग में भी वही डिनोमिनेटर में लेंगे ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं हंड्रेड जो है वो लेंथ था तो डिनोमिनेटर में हमने लेंथ लिया हंड्रेड तो उसकी अपोजिंग भी हमने क्या किया यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हंड्रेड लेंथ था तो उसकी अपोजिंग एल वो भी हमने डिनोमिनेटर में लेंथ ही लिया में हमने डी लिया जो कि डिग्री ऑफ कर्वेचर है तो उसकी अपोजिट साइड पे भी हमने डेल्टा ही लिया जो कि डिग्री ऑफ करवे जो कि डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर है कंप्लीट एंगल के अब ये दोबारा आपके पास एक सिंपल रेशियो बन गया इस सिंपल रेशियो से आपने अगर एल निकालना है इफ इफ यू यू वांट टू फाइंड लेंथ इसमें से अगर आपने एल निकालना है तो एल क्या होगा लेंथ वुड बी ये इधर आ जाएगा डी इंटू नहीं लेंथ जो है आपके पास देखिए हंड्रेड हंड्रेड जो है वो इस साइड पे आ जाएगा जरा मैं इसको रेस कर देता हूं अगर मैंने एल लेंथ मालूम करना है तो लेंथ आपके पास आ, ये आपके पास आ जाएगा हंड्रेड ये हंड्रेड ऊपर आ जाएगा इन टू डेल्टा ठीक हंड्रेड इंटू डेल्टा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये एल तो ऊपर जला गया तो उसके नीचे फिर क्या जाएगा डी तो हंड्रेड इन टू डेल्टा डिवाइड ये फार्मूला भी अपने पास नोट करें हंड्रेड डेल्टा डिवाइड बाई डी ये फार्मूला है टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द कर्व ठीक है आपको ये भी मैंने बताया था कि ये जो डी है ये ये डी d बराबर है 5730 सेवन थ्री जीरो डिवाइड बाय आर के डिवाइडेड बाय आर के बराबर है ठीक है तो यहां पे मैं इस d की जगह 5730 सेवन थ्री जीरो डिवाइड बाई आर भी पुट कर सकता हूं तो अगर मैं ये पुट करता हूं आपके पास क्या बनेगा लेंथ ऑफ द इज़ इक्वल टू हंड्रेड इन टू डेल्टा डिवाइडेड बाय अब डी की जगह मैंने क्या पुट करना है ये आर ये जो कन्वर्जन है फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइड बाय आर तो ये मैं पुट करूंगा फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय आर ठीक है अब देखें इसको आप सिंप्लीफाई करें सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप बच्चों वाले ही सिंप्लीफिकेशन आई होप कि आपको समझ आ, आ रही होगी ये आर को मैं इधर ले आता हूं तो ये आर इनवर्स बनता है और अगर मैं इधर ले आता हूं तो ये वापस जो है आर की शक्ल में चला जाएगा ये बच्चों वाले सवाल है जो आप लोगों ने अपने होंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा इन टू आर ऊपर आ जाएगा ठीक है सिमिलरली ये हंड्रेड अगर मैं नीचे इधर ले आता हूं तो ये 100 इनवर्स बनेगा और अगर मैं इधर ले आता हूं तो दोबारा ये क्या बनेगा 100 ही बनेगा तो ये 100 इधर आ जाएगा 5730 डिवाइड बाय 100 जगह डिवाइडेड बाय 100 ठीक है या वो वो दोबारा वो बच्चों वाला करें कि ऊपर ऊपर भी 1 बाय 100 से डिवाइड करें नीचे भी 1 बाय 100 से डिवाइड करें तो ऊपर वन बाय हंड्रेड और हंड्रेड कैंसल हो जाएगा और नीचे वन बाय हंड्रेड जो है वो इस फाइव सेवन थ्री जीरो के नीचे आ जाएगा तो दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं इसको ठीक है तो जब आप इसको करेंगे तो ये देखें ये फाइव सेवन थ्री जीरो हंड्रेड करेंगे तो यहाँ पे फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री जीरो आ जाएगा जो कि ये फार्मूला आपके पास बनेगा ठीक है अगर किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है किसी पॉइंट की समझ नहीं आई कि ये फार्मूला कहाँ से डिराइव हुआ है तो वो मैं आप रिपीट करें आप बताएं मैं उसमें रिपीट कर सकता हूँ आई होप दिस इज क्लियर कोई इतना मुश्किल नहीं है जी आगे प्रोसीड करता हूं मैं आ, ये आपके पास एक सिंपल कर्व है उसका एक लेआउट है आपके साथ और इसको आप जो है इसमें आपके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं इसमें आपके पास मुख्तलिफ पॉइंट्स मौजूद हैं और उन पॉइंट्स वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं उसको जरा डिस्कस करते हैं आ, ये दिस इज द सर्कुलर कर्व ठीक है ये जो आपको नजर आ रहा है ठीक है ये एक टेंजेंट लाइन है और ये दूसरा टेंजेंट लाइन है इन्हीं दोनों टेंजेंट लाइन के दरमियान हम क्या प्रोवाइड करते हैं सर्कुलर आर्क प्रोवाइड करते हैं जो कि सर्कुलर कर्व कहलाता है आ, जहां से आपका कर्व स्टार्ट होता है इसको हम नाम देते हैं विद पी सी जहां से आपका सर्कुलर कर्व स्टार्ट होता है ये तो इसको हम नाम देते हैं विद पीसी पीसी का मतलब है पीसी मतलब पॉइंट ऑफ कर्वेचर या बिगेनिंग ऑफ द कर्व ठीक है मुख्तलिफ किताबों में इसको बीसी भी कहा गया है बीसी uh, का मतलब है बिगेनिंग ऑफ द कर्व और कुछ बुक्स में इसको पीसी के का नाम दिया गया है विच मीन पॉइंट ऑफ कर्वेचर जहां पे आपका कर्फ एंड होगा यहां पे आप देख सकते हैं तो उसको डिजिग्नेट किया गया है विथ पी टी विच इज बुक्स में इसको ई सी से डिनोट किया गया है डिजिग्नेट किया गया है ईसी का मतलब है एंड ऑफ द कर्फ ठीक है तो ये आपकी मर्जी है आप पी सी और पीटी लिखना चाहते हैं आप बी सी और

यहां पे आप देख सकें एक और टर्म एक और पॉइंट है जिसको हम नाम देते हैं पी आई पी आई क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये देखें दिस इज़ द पॉइंट ऑफ़ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ़ इंटरसेक्शन क्या है जब दो टेंजेंट लाइंस ये देखें एक टेंजेंट लाइन ये है एक टेंजेंट लाइन ये है वो जहां पे आपस में मीट हो रही है दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ठीक है ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर से लेकर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के दरमियान एक साइड ऑफ टेंजेंट के लेंथ को हम डिजिग्नेट करते हैं विद टी से टी इज फॉर टेंजेंट लेंथ और ये दूसरे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक भी जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है उसको हम डिजिग्नेट करते हैं विद टी विच इज टेंजेंट लेंथ ठीक है याद रखें सिंपल कर्व में हमेशा ये दोनों टेंजेंट्स आपस में बराबर होंगी

अब ये जो पूरा लेंथ ऑफ द कर्व जितना एंगल बनाता है सेंटर के साथ उसको हम डिजिग्नेट करते हैं भी delta, या देख सकते हैं this is delta, और हाफ साइड को हम डेल्टा बाय टू और दूसरे हाफ को हम डेल्टा बाय टू कह सकते हैं तीसरी जो चीज इसमें है वो है कॉर्ड लेंथ ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं कॉर्ड लेंथ क्या होता है ये आप कोई भी सर्कुलर आर्क ड्रॉ करें ये आपने अपने मैट्रिक वगैरह में पढ़ा होगा कि ये देखें एक सर्कुलर आर्क है उस सर्कुलर आर्क पे कोई भी दो पॉइंट आप ले लें एक पॉइंट मैंने ये लिया एक पॉइंट मैंने ले लिया जरूरी नहीं है कि वो वो पॉइंट पॉइंट सेंटर से गुजरे आपस आपस में आपने जब मिलाएंगे तो वो आपके पास क्या कहलाएगा कॉर्ड लेंथ कहलाएगा सी या एल एल सी इसको हम नाम देते हैं ठीक है सिमिलरली ये आर्क भी एक कर्व का तो हिस्सा है एक सर्कल का एक छोटा सा पोर्शन है ना इस वजह से इसका एक सिरा और दूसरा सिरा आ, हम इन इनको पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं सीधा एंड दैट लेंथ वुड बी कॉल्ड एज कॉर्ड लेंथ एलसी जो तीसरी चीज है वो है आपके पास एक्सटर्नल uh, ऑर्डिनेट और मिडल ऑर्डिनेट ठीक है एक्सटर्नल ऑर्डिनेट क्या है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लेकर जो पीक है जो सेंटर ऑफ द कर्व है वहां तक जो बाहर वाला डिस्टेंस होता है वी कॉल इट एक्सटर्नल ऑर्डिनेट और जो सर्कल के अंदर की तरफ डिस्टेंस होता है वी कॉल इट मिडल ऑर्डिनेट ठीक है अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल है तो सेंटर ऑफ द सर्कल से पी आई तक जो बाहर डिस्टेंस होता है वी कॉल इट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और सेंटर ऑफ द सर्कल से जो मिडल ऑफ द कॉर्ड तक जो डिस्टेंस होता है वी कॉल इट मिडल ऑर्डिनेट ठीक है सिमिलरली एक और ये है कि यहां पे ये जो डेल्टा बाय टू है ये डेल्टा बाय टू के बराबर होगा यानी जो, जो 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 टेंजेंट है वो कॉर्ड के साथ जितना एंगल बनाएगा, और ये जो 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 हाफ ऑफ दिस डिफ्लेक्शन एंगल के बराबर होगा सिमिलरली ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और टेंजेंट के दरमियान जो एंगल होगा डेल्टा और ये डेल्टा ये दोनों भी आपस में बराबर होंगी ये आप लोगों ने एक थ्योरम भी इसका मैट्रिक में पढ़ा होगा कि और दो आपस में वो करती हैं इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो अपोजिट एंगल्स है वो आपस में बराबर होती हैं तो इस उस, उस पे उस, उस थ्योरम के थ्रू ये जो डेल्टा है और ये डेल्टा ये आपस में बराबर होगा ठीक है तो ये कुछ तर... टर्मिनोलॉजीज थी यहाँ पे आपने अपने पास नोट करनी है पीसी क्या है पॉइंट ऑफ कर्वेचर पीटी क्या है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पीआई क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टी आपके पास टेंजेंट लेंथ है जो टेंजेंट लेंथ आप मालूम करते हैं उसका तरीकाकार ये यह है यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आपने पीआई और पी की स्टेशनिंग मालूम करनी है और ए पी से पी की स्टेशनिंग जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास टेंजेंट लेंथ आएगी कैसे आपको यहाँ की स्टेशनिंग का पता है यहाँ की भी स्टेशनिंग का पता है तो इस स्टेशन से ये माइनस करें तो आपको पी मिल जाएगा ठीक है सॉरी इस स्टेशनिंग से ये वाली स्टेशनिंग माइनस करें तो आपको ये वाली लेंथ मिल जाएगी टी सिमिलरली सेम केस फॉर कि पीटी पी आई माइनस करें तो आपके पास ये टेंजेंट लेंथ भी आ जाएगी मिडल ऑर्डिनेट और एक्सटर्नल फार्मूला है वो आगे करूंगा और डेल्टा आपके पास क्या है इसको हम एक्सटर्नल एंगल भी कहते हैं है और यहाँ इसको इसको डिफ्लेक्शन एंगल कहा जाता है दोनों की जो वैल्यूज हैं वो सेम होंगी इन टर्म्स ऑफ दैल्यूजर्नल एंगल एंड एंगल विल भी सेम ये फार्मूलाज भी अपने पास नोट कर लें ठीक है आप लोगों ने कितने फार्मूलाज अपने पास नोट किए चार पांच फार्मूलाज नोट किए एक एक पिछला फार्मूला था ये इज द फर्स्ट फार्मूला जो आपने अपने रजिस्टर पे लिखना है आगे निकल करेंगे उसमें काम आएगा दूसरा फार्मूला जो आपने नोट करना है वो कौन सा है एल इज इक्वल टू डेल्टा आर डिड बाई फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री जीरो या l is equal to 100 डेल्टा t d. D. d दोनों आप अपने पास नोट कर कर लें ठीक है ये लेंथ का फार्मूला है और पिछला रेडियस और डिग्री में कन्वर्ट करने का फार्मूला था फिर तो तो इसके बाद आपने ये चार फार्मूलास जो थे हैं वो भी अपने पास नोट करने हैं ये ऑलरेडी आप लोगों ने सर्वे में पढ़े भी हैं ठीक है कौन-कौन से फार्मूला t टेंजेंट लेंथ uh, जो है वो बराबर है r टेंजेंट ऑफ डेल्टा 2 ठीक है

डिवाइडेड बाई टू माइनस आर ठीक है तो ये आपने अपने पास शबा चारों फार्मूलाज वो आपने uh, अपने पास नोट करने हैं नोट कर लिया आपने अपने पास जी सर ओके ये चारो फार्मूला अपने पास नोट कर लें एंड देन हम आगे मूव करेंगे टू द नेक्स्ट ओके okay. ये चार ये फार्मूले और दो पिछले फार्मूले आई होप आई हैव नोटेड विद योरसेल्फ अब आते हैं एक न्यूमेरिकल की तरफ और ये न्यूमेरिकल अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टू टेंजेंट लाइंस दो टेंजेंट लाइंस हैं एक ये टेंजेंट लाइन है और एक ये टेंजेंट लाइन है जो के मीट करती हैं एट स्टेशन थर्टी टू हंड्रेड प्लस फिफ्टीन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये उसकी स्टेशनिंग आपको दी गई है इज़ प्लस प्लस तो आप देखें, यहां पे के बाद दो डिजिट्स ना तो क्या मतलब हुआ? बत्तीसौ है? है <laughs> है, exactly. तो पूरे हैं और पंद्रह फीट जो है वो उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्टेंस है तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इट स्टेशनिंग थर्टी टू हंड्रेड प्लस द रेडियस कर्वेचर विच इज आर

फाइंड द कर मुझे क्या फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करना है स्टेशनिंग ऑफ पी सी एंड पी टी फाइंड करना है यानी देखें सिर्फ पी आई की स्टेशनिंग गिवन है पी सी और पीटी की स्टेशनिंग हमारे पास नहीं गिवन तो वो आपने फाइंड करनी है एंड ऑल अदर रिलेवेंट करेक्टरिस्टिक्स द कर्व मेडल ऑर्डिनेट और एक्सटर्नल ऑर्डिनेट को भी फाइंड करना है तो शाबाश आई होप दिस इज वेरी इजी आपने फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे मैं जरा यहाँ पे आपके लिए एक स्लाइड ऐड कर देता हूं ताकि आसान हो जाए हमें सॉल्व करना जी सबसे पहले मैं क्या करूंगा आ, लेट मैं जरा अपने फार्मूलाज की तरफ चला जाता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें मौजूद है लेंथ ऑफ द कर्व सबसे पहले मुझे पूछा गया है कि आप लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करें तो लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करने के लिए एल इज इक्वल टू डेल्टा इन टू आर डिवाइड बाय फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री जीरो ऐसा है कि नहीं है गलत तो नहीं लिखा ये देखें ये फार्मूला है एल इज इक्वल टू डेल्टा इंटू आर डिड बाई फिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री जीरो तो ये मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन में मुझसे पूछा गया है कि आप लेंथ ऑफ द कर्व फाइंड करें तो मैं डेल्टा इंटू आर डिफ्टी सेवन पॉइंट थ्री जीरो की मदद से फाइंड कर सकता हूँ डेल्टा मेरे पास कितना मौजूद है हाउ मच इज द डेल्टा डेल्टा आपको फोरटीन बिल्कुल डिग्री आर आपके पास कितना मौजूद है बारह सोल्व हंड्रेड एग्जैक्टली सो पुट द वैल्यूज एंड गेट मी द आंसर ऑफ द द लेंथ ऑफ कर्व लेंथ क्या थ्री पॉइंट टू शाबाश द आंसर इज टू नाइंटी थ्री पॉइंट टू एंड इट वुड बी इन फीट क्लियर अच्छा ये तो मेरे पास आ गई मेरे भाई लेंथ अब आप पीछे नोमेरिकल की तरफ जाते हैं मुझसे दूसरा जो पूछा गया है वो है द स्टेशन ऑफ द पी सी एंड पी टी ये देखें पी आई की स्टेशनिंग मेरे पास गिवन है तो पीसी और पीटी की स्टेशनिंग मैंने मालूम करनी है ठीक है तो सबसे पी सी कौन सा होता है पॉइंट ऑफ कर्वेचर तो पीसी की तरफ जाते हैं स्टेशनिंग ऑफ द पी सी पीसी की स्टेशनिंग मेरे पास क्या होगी हम क्या करेंगे पीआई की स्टेशनिंग के साथ पीए की स्टेशनिंग से अगर टेंजेंट लेंथ माइनस करें तो मेरे पास पीसी की स्टेशनिंग आ जाएगी कि नहीं आएगी पीसी की स्टेशनिंग ये देखें ये पीसी की स्टेशनिंग है ये अगर ये पीआई की स्टेशनिंग से मैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट ये माइनस करूंगी टेंजेंट लेंथ तो मैं पीसी की स्टेशनिंग तक जाऊंगा कि नहीं पहुंचूंगा ठीक है तो उसके लिए फिर तरीकेकार क्या है कि मैं टेंजेंट लेंथ पहले फाइंड करूंगा क्योंकि मेरे पास तो टेंजेंट लेंथ भी मौजूद नहीं है तो यहां मैं टेंजेंट लेंथ फाइंड करने कर देता हूं टेंजेंट लेंथ इज इक्वल टू यहां पे आप फार्मूला लिख सकते हैं आर टेंजेंट डिवाइडेड बाय इंटू डेल्टा बाई टू क्या है फार्मूला आर इंटू टेंजेंट ऑफ डेल्टा बाय टू ठीक है आर की जगह मैंने क्या पुट करना है बारह सौ शाबाश मुझे बताए और डेल्टा की जगह मैंने पुट कर देना है फोर्टीन ठीक है तो टेंजेंट की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी मेरे भाई व्हाट विल बी थोड़ा सा मुझे वाइफ से भी एक बता रहे 147.3 147.3 ठीक है तो मेरे पास टेंजेंट की लेंथ आ गईन पॉइंट थ्री फीट ठीक है तो मेरे पास टेंजेंट लेंथ आ गई अब पीए की स्टेशनिंग तो मुझे पता है तो पीए की स्टेशनिंग में क्या करूंगा पीए की स्टेशनिंग मुझे तो जो स्टेशनिंग है वो स्टेशनिंग की शक्ल में मौजूद है तो मैं उसको लेंथ की शक्ल में कन्वर्ट कर देता हूं तो लेंथ की शक्ल में कन्वर्ट करने कैसे कन्वर्ट करूंगा देखे, तो, ये देखें बत्तीस सौ तो बेसिकली ये बत्तीस सौ पूरे स्टेशन हैं तो एक स्टेशन कितने के बराबर है हंड्रेड के बराबर है ना ठीक है प्लस पंद्रह एक स्टेशन हंड्रेड के बराबर है और ये बत्तीस पूरे हैं और पंद्रह उसके ऊपर ये आगे डिस्टेंस है तो मैंने इसको लेंथ में कन्वर्ट करना है तो ये बनेगा बत्तीस डबल जीरो और ये डबल जीरो और ये वन फाइव कैलकुलेटर से भी करें आपको पता चल जाएगा ठीक है तो ये लीनियर लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा स्टेशनिंग से लीनियर डिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा यानी एक स्टेशन 100 फीट के बराबर है तो बत्तीस हंड्रेड और ये 15 फीट एक स्टेशन के एक्स्ट्रा डिस्टेंस है तो ये बत्तीस कितने बनेगा ये एक सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख करोड़ मतलब जितना भी बनता है लेकिन दिस वुड बी दिस इज हाउ आपने इसको स्टेशनिंग की लेंथ से कन्वर्ट किया है इंटू लेंथ तो मैं यहां पे लीनियर लेंथ यूज करूंगा बत्तीस सौ जरा कैलकुलेटर से करें बत्तीस सौ सौ प्लस पंद्रह मैंने गलत लिखा है मेरे ख्याल में पंद्रह तो ये थ्री टू डबल जीरो वन फाइव आएगा गलत मैंने लिखा है ना कैलकुलेटर से करें आपको पता चल जाएगा ठीक है ये आपके पास आएगा थर्टी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड प्लस फिफ्टीन तो ये आपके पास आएगा थर्टी टू डबल जीरो देखें ये कन्वर्ट हो गया फ्रॉम स्टेशनिंग डिस्टेंस इंटू लिनियर डिस्टेंस तो यहां में मैं लिखूंगा थ्री टू डबल जीरो माइनस ये विच इज वन फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री चाबा जरा कैलकुलेट करके मुझे बताऊ वट वुड बी दी सी PC आपके पास क्या आएगी थ्री टू डबल जीरो वन फाइव माइनस वन फोर्टी सेवन पॉइंट थ्री ठीक है 3, 2, 0, 0, 1, 5, -1, तो ये आपके पास आ जाएगी थ्री वन नाइन एट सिक्स सेवन पॉइंट सेवन ठीक है तो अगेन अगर आप इसको हंड्रेड से डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास स्टेशनिंग में क्योंकि आंसर आपने लिखना है इन स्टेशन ठीक है आंसर आपने लिखना है इन स्टेशनिंग तो आपने पीसी की स्टेशनिंग मेरे पास क्या आएगी पीसी की स्टेशनिंग थ्री वन अगर आप इसको हंड्रेड से डिवाइड करें तो थ्री वन नाइन एट मतलब कि थ्री वन नाइन एट स्टेशन पूरे हैं और उसके बाद एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो है वो पॉइंट के बाद आपके पास लिखा हुआ आएगा सिक्सटी सेवन पॉइंट सेवन जो है वो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है दिस इज हाउ यू राइट के पीसी uh, की स्टेशनिंग 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 आपके पास मिल गई अगर आप की शक्ल में नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स कटेंगे ठीक है तो क्योंकि हम सारा उसको डील करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टेशनिंग तो ये दो लेंथ भी आपको मिल गई टेंजेंट भी आपको मिल गया पीसी की डिस्टेंस भी आपको मिल गया अब हम मालूम करते हैं पीटी ठीक है यहाँ पे हम मालूम करते हैं Excuse me, sir. जी जी। सर को 100 से करेंगे। Actually, मैंने आपको बताया हम स्टेशनिंग में लिखते हैं ना तो जिस तरह हमने हमने यहाँ पे इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया ना यहाँ पे आप देखें जी सर जी सर देखिए यहाँ पे हमने हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया क्यों मल्टीप्लाई किया ताकि हम स्टेशनिंग की से लीनियर लेंथ पे जाना चाहते हैं ठीक है तो तब है साथ आप फिर ये एक सौ सैंतालीस माइनस कर सकते हैं आप आराम से डायरेक्ट स्टेशनिंग से नहीं कर सकते ठीक है तो थीक इस थीक तरह साथ आपके साथ पास ये जो डिस्टेंस आया थ्री वन नाइन एट सिक्स पॉइंट सेवन ये लीनियर डिस्टेंस की शक्ल में आया है तो हमने इसको इन टर्म्स ऑफ स्टेशनिंग जो है वो लिखना है तो इन टर्म्स ऑफ स्टेशनिंग लिखने के लिए फिर हमें देखें आसान तरीका ये है कि ये जो point के, uh, जो पॉइंट पॉइंट के लास्ट 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 टू टू डिजिट्स डिजिट्स है है ना ठीक वाले को करें last two digits, वो प्लस के बाद लिखें और जो आगे जो जितने भी डिजिट्स आपके पास आ रहे हैं वो प्लस से पहले लिखें ये आसान तरीका है लेकिन अगर आप टेक्निकली इसको समझना चाहते हैं तो तरीका फिर ये है कि आप इसको हंड्रेड से डिवाइड करें तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएंगे कि 3198 स्टेशंस हैं और पॉइंट के बाद जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है वो आपको मिल जाएगा विच इज 67.7 आप जरा कैलकुलेटर से भी देख लें इस पूरे डिस्टेंस को आप 100 से डिवाइड करें आपको 3198 स्टेशंस पूरे मिलेंगे और 60 पॉइंट के बाद जो डिस्टेंस है 67.7 वो आपने प्लस के बाद लिखना है आई होप दिस इज क्लियर ओके थैंक यू सर ओके अब आते हैं आ, जो पीसी की स्टेशनिंग की तरफ तो पीसी पीटी पीटी की स्टेशनिंग का क्या तरीका होगा हमने पीटी की अगर स्टेशनिंग मालूम करनी है ये देखें पीटी की स्टेशनिंग अगर हमने मालूम करनी है तो इसके लिए जो करेक्ट तरीका है वो ये है कि आपको पीसी की स्टेशनिंग मालूम है उसके साथ आप लेंथ ऑफ द कर्व एड करें तो आप डायरेक्टली पीटी की स्टेशनिंग तक पहुंच जाएंगे कुछ स्टूडेंट्स या कुछ लोग ये तरीका भी अपनाते हैं लेकिन उसमें फ्रैक्शनल एरर आपके पास जरूर आएगा ये देखें ये आपके पास पी आई डिस्टेंस मौजूद है स्टेशनिंग, के साथ वो टी कर लेते हैं, तो तब भी आप पीटी तक पहुंच सकते हैं लेकिन इसमें देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स देयर आर फ्रैक्शनल मिस्टेक्स इन द इन इन स्टेशनिंग और लोकेशन इस, uh, तो इस वजह से करेक्ट लोकेशन आपको कैसे मिलेगी आपको अगर पीसी का पता है तो उसके साथ लेंथ ऐड करें तो आप डायरेक्टली पीटी तक पहुंच जाएंगे ठीक है तो पीटी का क्या तरीकाकार होगा आप पीसी की स्टेशनिंग आपके पास मौजूद है और उसके साथ आप क्या ऐड करें लेंथ ऑफ द कर्व ऐड करें तो पीसी की स्टेशनिंग मेरे पास क्या है ये 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 मेरे पास पीसी की स्टेशनिंग है देखें तो दिस इज थ्री वन नाइन एट सिक्स सेवन पॉइंट ठीक है और उसके साथ में ऐड करूंगा 293.2 आपके पास क्या आएगा वट वुड बी आंसर प्लस टू नाइन्टी थ्री पॉइंट टू तो ये आ, आपके पास आ जाएगा थ्री टू रोन ठीक है अगर आप इसको स्टेशनिंग में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा थ्री टू जीरो वन स्टेशन आपके पास पूरे हैं और प्लस के बाद जो है वो कितना आएगा सिक्सटी पॉइंट नाइन तो ये आपके पास PT की स्टेशनिंग भी आपको मिल गई है अगर किसी को यहाँ पे भी, भी कोई प्रॉब्लम है तो ही कैन आस्क एंड आई विल बी हेल्प हेम टू क्लियर द आई होप दिस इज क्लियर ठीक है अब आते हैं जो दो दो, दो और चीजें हैं जो कि आपके पास है एक है मिडल ऑर्डिनेट और एक्सटर्नल ऑर्डिनेट एंड लेंथ ऑफ द कॉर्ड ठीक है लेंथ ऑफ कॉर्ड ये जो आपके पास फार्मूला है कॉर्ड लेंथ का वो क्या है आपके पास टू आर इंटू साइन ऑफ डेल्टा बाई टू ठीक है इसमें आप पोट करें शाबाश। डायरेक्टली मुझे आंसर बताएं। आर uh, की जगह आप पोट करें ट्वेल्व हंड्रेड और डेल्टा की आप पुट करें फोर्टीन एंड गिव मी द आंसर शाबाश लेंथ ऑफ द कॉर्ड क्या आ रही है आपके पास एल सी जी जरा चैट ऑन देख लेता हूं क्योंकि मोस्ट स्टूडेंट्स चैट में मुझे रिस्पांस कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली exactly, शाबाश मेहरान इसाक 292। ये कौन है मसूर वो 1577 पे किधर चले गए मेरे भाई? 292.48, 292.48 तकरीबन मेजॉरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स ने आंसर मुझे किया है 292.48 या 292.5 एग्जैक्टली exactly, शाबाश। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा यह आपके पास आंसर आ जाएगा टू नाइन्टी टू पॉइंट फोर एट गुड शाबाश टू नाइन्टी मैंने लिख दिया फीट ये तो लेंथ ऑफ द कॉर्ड मुझे मिल गया दूसरा आपके पास तीसरा है मिडल ऑर्डिनेट और एक्सटर्नल ऑर्डिनेट तो मिडल ऑर्डिनेट क्या क्या फार्मूला है आर माइनस आर ऑफ आर ऑफ माइनस आर कॉज ऑफ डेल्टा बाई टू आर की जगह फिर वही बारह सौ पुट करें और डेल्टा की जगह आप ट्वेल्व uh, फोर्टीन uh, पुट करें एंड गिव मी देंसर शाबश एट पॉइंट नाइन फोर गुड गुड हारून uh, मेहरान एट जीरो जी शाबाश एट पॉइंट नाइन फोर या एट पॉइंट नाइन फाइव के दरमियान आंसर मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर करेक्ट ठीक है ठीक है तो लेट मी राइट विद माई सेल्फ ठीक है एंड दिस इज एट पॉइंट नाइन फोर एट पॉइंट नाइन फाइव जो एक्सटर्नल ऑर्डिनेट है ई e, वो आपके पास क्या रहा है e, ई वो भी जरा आप मुझे फाइंड करके दे ताकि हम फिर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ ई e का फार्मूला है ई इज इक्वल टू आर इन इन टू ऑफ डेल्टा डेल्टा डिवाइड बाई टू माइनस आर शाबाश सीकंड किसके बराबर है वन बाय कॉस के वन बाय कॉस के बराबर है ना सीकंड शाबाश गिव मी द आंसर

कौन कौन से पैरामीटर्स हैं हमारे पास हमारे पास जो है वो लेंथ ऑफ द कर्व है वो भी आ गया है दिस इज लेंथ ऑफ द कर्व ठीक है फिर हमारे पास टेंजेंट लेंथ भी आ गई है फिर हमारे पास जो है वो पी सी की स्टेशनिंग भी आ गई है पी टी की स्टेशनिंग भी आ गई है हमारे पास जो है वो कॉर्ड लेंथ भी आ गई है मेडल ऑर्डिनेट भी आ गया है ठीक है, है और एक्सटर्नल ऑर्डिनेट भी हमें मिल गया है दिस ऑल अबाउट हम किस तरह के डिफरेंट पैरामीटर्स को डिटरमाइन कर सकते हैं ये करती है जब आप ले तो काम आती हैं अब आते हैं एक और चीज की तरफ हमने स्टार्ट में जो हमारा पिछला लेक्चर था वो हमने डिटेल में पढ़ा था कि हमने हॉरिजेंटल कर्व पे क्या करना है एस एस की क्राइटेरिया को फुलफिल करना है तो एस एस डी की क्राइटेरिया को कैसे फुलफिल करते हैं और क्यों फुलफिल करना जरूरी है ठीक है क्योंकि हॉरिजेंटल sure करनी है और इसमें हमने हमने चेक करना है कि जो कर्व डिजाइन किया है क्या जो गिवन डिजाइन स्पीड पे वो मिनिमम साइड डिस्टेंस के क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा क्योंकि कर्व डिजाइन करने के साथ साथ हमने ये भी चेक करना है कि क्या ये कर्व सेफ भी है या नहीं है सेफ ठीक है तो इसको सेफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं हम एस एस डी को बी के क्राइटेरिया को भी चेक करते हैं तो एस एस डी की क्राइटेरिया हम यहाँ से डिजाइनर क्या करता है कैलकुलेशन के थ्रू ही चेक करता है उसको जाके फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है जो मैंने आपको बताया था कि वो क्या करता है वो एक वो जो मैंने एग्जांपल आपको दी थी हॉरिजेंटल कर्व है आपके पास और यहाँ पे वो कोई ऑब्जेक्ट रखता है और फिर यहाँ से देखता है कि उसकी साइट जो है वो उसकी विजिबिलिटी लाइन ऑफ साइट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या नहीं आ रहा तो वो जाके उस टाइम पे ये नहीं देख रहा होता है फील्ड में इसको नहीं चेक करता वो जाके डिजाइनिंग के दौरान ही चेक कर रहा होता है कि भाई क्या मिनिमम की डिस्टेंस की क्राइटेरिया को अगर हमने फुलफिल करना है तो कोई कोई जो रोड साइड पे कोई ऑब्जेक्ट है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है वो एटलीस्ट इतने फासले पे इस और इस कर्व से होना चाहिए अगर वो कोई रोड साइड में ऑब्जेक्ट इतने फास्टली पे मौजूद है तो तब तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को हटाना है ठीक है और अगर मौजूद नहीं है तो बाय बाई डिफॉल्टी का क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल हो रहा है ठीक है तो जो रोड साइड ऑब्जेक्ट है वो आपके पास क्या क्या हो सकती है कोई बिल्डिंग हो सकता है कोई ट्री हो सकती है कोई नेचुरल बैरियर हो सकता है ठीक है यहां पे आप देख सकते हैं ये देखें ये हॉरिजॉन्टल कर्व है अब इस हॉरिजॉन्टल कर्व की जो साइट है जो विजिबिलिटी है वो ऑब्स्ट्रक्ट कौन सा चीज़, कौन सी विजिबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है ये जो है कि ये पहाड़ी जो है ये पहाड़ है ये दरख्त है ये तमाम के तमाम इसकी विजिबिलिटी को ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं तो हम क्या करते हैं हम बेसिकली इस पहाड़ी को पूरे तो नहीं काट सकते ना ये तो बड़ा एक अनइकोनॉमिकल हो जाएगा या यहाँ पे अगर कोई पहाड़ी नहीं है यहाँ पे कोई बिल्डिंग है ठीक है इफ देर इज अ बिल्डिंग ओवर है यहाँ पे एक हॉरिजोंटल कर्व है और यहाँ पे कोई कमर्शियल प्लाजा बना हुआ है तो क्या उस कमर्शियल प्लाजा को, को आप पूरा सिरे से हटा सकते हैं नहीं क्यों क्योंकि वो तो पूरा अन तो आप क्या करते हैं आप एक मिनिमम डिस्टेंस मालूम करते हैं कि अगर इस डिस्टेंस के अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको तो हर सूरत हटाना है और अगर उस डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर हटाने की कोई जरूरत नहीं है आपका जो एस वाला क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया यहाँ पे इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं ये जो तरक्त वाली एग्जाम्पल है ये यह देखें यहां से आप इंश्योर करते हैं कि ये जो बीच में जो एरिया है इसके अंदर अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी ये होगी कि उस ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करना है अब कितना पीछे तक इसको रिमूव करना है ये हम एक्चुअली अभी हम मालूम करते हैं कि आठ फीट या नौ फीट के फासले तक इसके अंदर अंदर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए ठीक है अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस बी का क्राइटेरिया फुलफिल है ड्राइवर को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्व टिल द एंड ऑफ द कर्व सब कुछ नजर आएगा क्लियरली नजर आएगा ठीक है अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन बीच में है तो उसको नजर नहीं आएगा एंड वी हैव टू रिमूव दैट ऑब्स्ट्रक्शन अच्छा उसका तरीकेकार क्या है अभी जब हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करेंगे आपको सब कुछ समझ आ जाएगी साइड डिस्टेंस ऑन हॉरिजॉन्टल हम हम कैसे इंश्योर करते हैं हम क्या करते हैं हम मिडल ऑर्डिनेट मालूम करते हैं ठीक है लेकिन मिडल ऑर्डिनेट के फॉर्म के प्रिंसिपल के थ्रू ही हम मालूम करते हैं लेकिन कैसे मालूम करते हैं देखें आ, वो जो मिडल ऑर्डिनेट होता है यूजुअली फ्रॉम द फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द कर्व होता है लेकिन हम जो मिडल ऑर्डिनेट जो एक्सटर्नल डिस्टेंस लेंगे वो लेंगे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द इनर मोस्ट लेन इनर मोस्ट लेन कौन सा होगा इनर मोस्ट लेन फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास चार लेने हैं ठीक, एक दो तीन तीन लेने हैं फॉर एग्जाम्पल मैं तीन लेने -ले, -ले, ले, -ले, ले, -ले, ले, ले, ले लेता हूं ये आपके पास मीडियन है बीच में तीन लेने एक साइड पे है और तीन लेने ये बीच में मीड, मीडियन है और तीन लेने उस साइड पे भी है छह लेनों वाली रोड है अब हम क्या करते हैं जब हम एस एस डी को चेक करते हैं तो हम ये हम ये जो इनर मोस्ट लेन है ये देखिए लेन नंबर वन है ये लेन नंबर है और ये लेन नंबर थ्री है इस लेन नंबर थ्री के सेंटर से इस लेन नंबर थ्री का सेंटर कौन सा होगा ये होगा कि नहीं होगा इससे लेकर एक खास पॉइंट तक हम ये डिस्टेंस मेजर करते हैं ये जो मिडल ऑर्डिनेट है और उसके अंदर अंदर हम चेक करते हैं कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल साइड ऑफसेट एचएसओ आगे हम एक्सप्लेन करूंगा दिस इज कॉल्ड एचएसओ व्हिच इज हॉरिजॉन्टल साइड ऑफसेट यानी इन शॉर्ट मतलब इसका ये है कि जो इनर मोस्ट प्लेन है यानी जो आखिरी वाली लेन है उसके सेंटर से लेकर एक खास फासले तक कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन बीच में नहीं होना चाहिए और वो खास फासला हम मालूम कैसे करते हैं ये आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा ठीक है लेकिन यहां सिर्फ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है यहां सिर्फ आपको इतना समझना कि चाहे जितने भी लेने हो दो लेने हैं तो दूसरा लेन आपके पास इनर मोस्ट लेन होगा एक ही लेन है तो एक ही पहला वाला ही लेन फिर इनर मोस्ट लेन होगा चार लेने हैं तो जो आखिर वाला चौथा लेन है वो इनर मोस्ट लेन होगा उस इनर मोस्ट लेन से

माइनस आर ऑफ कॉज डेल्टा बाई टू विच इज द फॉर्मूला फॉर मिडल ऑर्डिनेट ठीक है थोड़ा सा अपने पास में लिख लेता हूं ताकि आसानी हो जाए मिडल uh, ऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है एम इज इक्वल टू आर माइनस आर इंटू कॉज ऑफ डेल्टा बाय ये मेरे पास फार्मूला है मिडल ऑर्डिनेट का अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूं सिंप्लीफाई करने से क्या होगा ये आर में कॉमन ले लेता हूं क्योंकि आर माइनस के इस साइड पे भी है उस साइड पे है उस साइड पे भी है तो अगर ये आर में कॉमन ले लेता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा वन माइनस कॉज ऑफ डेल्टा बाय टू ये मेरे पास सिंप्लीफाइड फार्मूला बन जाएगा अब मुझे ये भी पता है पिछला मैंने आपको लेंथ ऑफ द कर्व के फार्मूला बताया था मैंने आपको मैंने आपको क्या length of the curve का वो कौन सा फार्मूला बताया था ये पास नोट कर डिवाइड बाई डी ये फार्मूला, ये जो फार्मूला है एल इज इक्वल टू हंड्रेड डेल्टा डिवाइडेड बाई डी तो ये जरा आपने पास में नोट कर लेता हूं लेंथ ऑफ द कर्व का फार्मूला है एल इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाय डी ये लेंथ ऑफ द कर्व का फार्मूला है अब हम क्या करते हैं ये एक एजम्पशन नहीं है एजम्पशन के तौर पर यहां पे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं लेकिन ये एजम्पशन नहीं है ये एजम्पशन हम क्यों करते हैं अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा एजम्पशन ये है कि ये जो लेंथ ऑफ द कर्व है हम इसको बराबर ले लेते हैं एसएसडी के इस लेंथ ऑफ द कर्व को हम बराबर ले, ले लेते हैं एसएसडी के इसका मतलब क्यों है कि इसका मतलब क्या है और यूं क्यों हम बराबर लेते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि जितना टोटल लेंथ ऑफ द कर्व है पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक यानी यहां से लेकर ये यहां से कर्व स्टार्ट हो रहा है और यहां पे कर्व खत्म हो रहा है तो यहां से यहां तक जो टोटल लेंथ होगा वो लेंथ ऑफ कर्व के बराबर होगा तो ये जो total length of the curve है, वो हम एस एस डी लेते हैं और फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड समझ आ रही है यानी हम क्यों को SSD के बराबर ले लेते हैं इसलिए कि हम चाहते हैं कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कर्व टिल द एंड ऑफ द कर्व पूरा का पूरा कर्व जो है ड्राइवर को नजर आ जाए आ, 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 और वो जब उसको नजर आएगा तो इट विल बी सेफ टोटल कर्व पूरा का पूरा कर्व आपके पास सेफ हो जाएगा ठीक है तो इस डी के बराबर हमने लिया और इसको फार्मूले को सेम यही रखा हंड्रेड इन डेल्टा डिवाइडेड बाय डी एस एस डी इज इक्वल टू हंड्रेड इंटू डेल्टा डिवाइडेड बाई डी आपके पास आ गया हम क्या करते हैं ये आपके पास ये देखें इस फार्मूले में आपके पास मौजूद है डेल्टा ये देखें ये डेल्टा हम क्या करते हैं हम इस फार्मूले में से डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं और वो फार्मूला जाके वो डेल्टा की वैल्यू फिर हम यहां पे पुट करते हैं तो डेल्टा की वैल्यू अगर उसमें से हमने निकालनी है तो वो क्या होगी एस एस डी एस एस डी अपनी जगह पे है डी में इधर ले आऊंगा इन टू डी ठीक है और हंड्रेड नीचे चला जाएगा तो डिवाइडेड बाय हंड्रेड इज इक्वल टू डेल्टा ऐसा है कि नहीं है किसी को अगर कोई समझ नहीं है तो आप माइक को अनम्यूट करके यू कैन आस्क ठीक है एस एस डी ए लेंथ को मैंने एस एस डी के बराबर ले लिया और वही लेंथ का फार्मूला मैंने एस के बराबर ले लिया फिर उसमें से मैंने डेल्टा की वैल्यू निकाली डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास डेल्टा को अकेला छोड़ा हंड्रेड डिवाइड में आ गया और डी मल्टीप्लाई में चला गया अब ये जो डेल्टा की वैल्यू है that, मैंने यहां पे पुट करनी है इस जगह पे बस बस मेरे पास फार्मूला खुद डिराइव हो जाएगा तो एम इज इक्वल टू आर इन टू वन माइनस कॉज ऑफ क्या आएगा इसकी जगह मैं पुट करूंगा एस एस डी इन टू डी डिवाइडेड बाय टू अपनी जगह है ये टू और हंड्रेड सात में आ जाएगा ठीक है ये आपके पास फाइनल फार्मूला बन गया ठीक है जरा इसको अगर हम सिंपलिफ्ट फाइ करें तो क्या बनेगा m is equal to r into one minus cos of... ऑफ ये शाबाश आप भी अपने पास रजिस्टर पे करते जाएं तो आसान हो जाएगा आपको समझ आ जाएगी two into hundred अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बनेगा s d into d divided by 200 बनेगा आपके पास ठीक है अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है हम चाहते हैं कि ये फार्मूला हम निकालें इन टर्म्स ऑफ r एक आपके पास r है यहाँ पे एक आपके पास d है देखिए एक r है और एक d है हम इसको कंसिस्टेंट बनाना चाहते हैं वी फाइंड कि हम या तो इन टर्म्स ऑफ r निकालें या इन टर्म्स ऑफ d निकालें तो मुझे पता है कि r किसके बराबर है यानी d किसके बराबर है d बराबर है 5730 डिवाइडेड बाय r के बराबर है फार्मूले में हमने देखा था मैंने आपको बताया था कि अपने पास नोट करें आगे काम आएगा वो ठीक है तो हम क्या करें या फिर आर बराबर है एक की बात है डिवाइडेड बाय के या आप क्या करें इस आर को डी में कन्वर्ट करें या फिर इस डी को आर में कन्वर्ट करें जो बुक में फार्मूला है उसमें इस डी को आर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैं भी कन्वर्ट कर देता हूं बाकी इट्स अप कि आप ये पहला वाला आर डी में कन्वर्ट करते हैं वो भी सेम एक ही चीज है या फिर ये आखिरी वाला डी आर में कन्वर्ट करते हैं वो भी सेम एक ही चीज है तो मैं बुक वाले तरफ बुक की डेरिवेशन की तरफ जाता हूं और वो क्या है उसमें उसने तमाम फार्मूले को इन टर्म्स ऑफ आर कैलकुलेट किया है तो वन माइनस कॉज ऑफ क्या आएगा आपके पास एस एस डी की जगह एस एस डी तो अपनी जगह आएगा इन टू डी की जगह मैं लिखूंगा क्या चीज फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय टू हंड्रेड इंटू आर ये मैंने क्या किया डी को खत्म करके फाइव सेवन थ्री जीरो डिवाइडेड बाय डी लिख दिया ये लिख लिया ये डी को खत्म करके मैंने ये वैल्यू लिख अब जरा आप इसको सिंपलीफाई करें 5730 को डिवाइड करें 200 के साथ क्या आपके पास आ रहा है मी इक्वल टू आर 28.65 28.65 एक्जेक्टली तो ये 1 माइनस कॉस ऑफ आएगा इनटू 28.65 सॉरी मेरे से थोड़ा सा पॉइंट गलत लग गया लेट मी करेक्ट आएगा 28.65 एट पॉइंट सिक्स डिवाइडेड बाय आर तो ये आपके पास फाइनल फार्मूला है नोट द फार्मूला एम इज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस कॉज ऑफ ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स फाइव इंटू एस एस डी डिवाइडेड बाई आर तो ये आपके पास देखिए कंसिस्टेंट फार्मूला आ गया अब इस फार्मूले के थ्रू इस मेडल ऑर्डिनेट को फिर हम नाम दे देते हैं एच एस ओ जब ये इतना डिराइव हो जाता है तो फिर इस मेडल ऑर्डिनेट को हम नाम देते हैं एच एस ओ विच इज द हॉरिजेंटल साइट ऑफ सिट यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं फार्मूला जो डिराइव हुआ है वो आपके पास आ गया एच एस इक्वल टू आर इन टू वन माइनस कॉज ऑफ ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स फाइव एस एस डी की जगह सिंपल एस यहां पे लिखा गया बात एक ही है, सकते हैं और यही सेम फार्मूला आप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कोई चेंजेस नहीं है डिफरेंस कहां पे आएगा अगर आपने मीटर वाला यूज करना है तो आर जो पुट करेंगे वो मीटर में पुट करेंगे और एस एस डी भी मीटर में पुट करेंगे अगर आपने फीट वाला यूज करना है तो एस एस डी भी फीट वाला निकाल के निकालना होगा और आर भी फीट में निकालना होगा एंड देन यू है तो अपने पास ये आपने पास नोट करें, और फिर हम इस करते हैं, फिर हम करते हैं अपनी क्लास शाबाश सारे स्टूडेंट्स अपने पास नोट करें एच एस सो विच इजोंटल साइट ऑफ सिट इज इक्वल टू आर इन टू वन माइनस कॉज ऑफ अभी एच एसो है क्या चीज थोड़ा सा यहां मैं एक्सप्लेन कर दू ये देखें यह आपके पास कर्व है ठीक है उस कर्व के जितने भी लेंस हैं समझ आ रही है उस कर्व के जितने भी लेंस हैं उसका जो सबसे इनर मोस्ट लेन होगा ये इनर मोस्ट लेन ये लेन नंबर वन है ये लेन नंबर टू है इधर मीडियन होगा फिर लेन नंबर वन फिर लेन नंबर टू होगा ये देखिए लेन नंबर वन लेन नंबर टू उस साइड पे भी होगा यहाँ पे आपके पास मीडियन आ जाएगा ठीक है अब इस लेन नंबर टू जो इनर मोस्ट लेन है उसके सेंटर से लेकर जो फासला होगा वो आपके पास एच कहलाएगा तो ये थ्रू आउट सेंटर से आपने कितना फासला क्लियर कराना है थ्रू आउट सेंटर के को फॉलो करते हुए आपने ये चेक करना है कि इस एच के फासले के अंदर अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए यहां इसको डिफरेंट लाइन से मार्क देता हूं यहां पे, 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 रीजन में इस पूरे रीजन में कोई ऑब्जेक्ट कोई ऑब्स्ट्रक्शन नजर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए ठीक है ये रीजन अब ये लेंथ ऑफ मालूम करते हैं एच वो इस फार्मूले से आप मालूम करते हैं ठीक है ठीके? तो अगर आपके इस पूरी रीजन में थ्रू आउट द लेंथ ऑफ़ द कोई नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपके इस डी का क्राइटेरिया फुलफिल है और थ्रू लेंथ ऑफ द कर्फ जो है वो सेफ है और वो ड्राइवर को पूरा लेंथ उसको क्लियरली नजर आएगा और एज पर द डिजाइन स्पीड ठीक है तो यहाँ आई होप कि यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी तो तो तो। तो जो मेडल ऑर्डिनेट एम हमने फाइंड किया है हर कर्व कर्व में दे, कर्व में इधर कौन से कर्व में इसमें ये जो मैंने ड्रॉ किया है या पीछे सर तो ये डायग्राम आपने बनाया तो डायग्राम मैंने ये देखें, ये देखें आपके पास क्या है ये जो आपके पास ये देखें आपके पास जितनी भी लेने है, ये पहली, लेन है, ये पहली लेन है ये वाली देखें ये दूसरी लेन है रोड की समझ आ रही है ना ये भी पहली लेन है रोड की ये दूसरी लेन है रोड की लेकिन ये उस साइड पे है ये बीच में आपके पास मीडियन है ये देखिए ये बीच में आपके पास मीडियम है अब एच एसो से लेते हैं एच हम लेते हैं जो इनर मोस्ट लेन होता है इनर मोस्ट लेन ये दूसरा लेन इनर मोस्ट लेन आखिर वाला लेन अगर तीन लेने पे, तो तीसरा वाला लेन इनर मोस्ट लेन होगा अगर चार लेने हैं तो जो चौथा वाला लेन है ना जो आखिर वाला चौथा वाला लेन वो इनर मोस्ट लेन होगा ठीक है तो जो इनर मोस्ट लेन है फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो लेने हैं तो दूसरा वाला इनर मोस्ट लेन है उस उस इनर इनर मोस्ट मोस्ट लेन लेन के के सेंटर सेंटर से से इस लेकर आप ये फासला नापते हैं मजर लेते हैं अगर ये एच एसओ कैलकुलेट आपने किया और ये आपके पास आ गया ट्वेंटी फीट आपने फार्मूले के थ्रू एच एसो कैलकुलेट किया और वो आपके पास आया ट्वेंटी फीट तो आप क्या करते हैं आप इस सेंटर से लेकर 20 फीट का फासला यहां से मजर करते हैं और थ्रू आउट यहां से भी 20 फीट 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 तो इस 20 फीट के अंदर अंदर देयर शुड बी नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट अब समझ आ गई अब अगर कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट इस 20 फीट के अंदर अंदर नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एस का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है आपका रोड सेफ है और कर्व जो है वो सेफ है और ड्राइवर को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टेल द एंड सारा कर्व जो है वो क्लियरली नजर आएगा इज इट इज इट क्लियर नाउ इज इट क्लियर नाउ कौन सवाल पूछ रहा था मेरे से आई डोंट नो कि क्लियर है नहीं है लेकिन हम इसके ऊपर न्योमेरिकल भी करेंगे उ, उसके बाद भी अगर क्लियर ना हो तो हम जो है वो आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको ठीक है यहाँ पे आप देख लें डिग्री कर्व है एट द सेंटर लाइन ऑफ द इन साइड लेन फॉर हाईवे स्पीड ऑफ सेवनटी माइल्स पर आप ठीक है एक सिक्स डिग्री कर्व है जो कि मजर्ड एट द सेंटर लाइन ऑफ द इनसाइड लेन ये जो कर्वेचर आपको दिया गया है डायरेक्टली फ्रॉम द इनसाइड लेन दिया गया है इज बीइंग डिजाइन फॉर अ

यानी रोड के साइड पे कितना करीब हम कोई ऑब्जेक्ट रख सकते हैं ताकि इस क्राइटेरिया उससे डिस्टर्ब ना हो रोड की विजिबिलिटी उससे डिस्टर्ब ना हो समझ आ रही है तो आपको इन शॉर्ट पहले एच एच ओ फाइंड करना है ठीक है आप एच 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 एस ओ फाइंड करें एच एस ओज इक्वल टू आर इंटू वन माइनस कॉज ऑफ 28.5 into SSD divided by R. ये फार्मूला है एच का ठीक है आर इज इक्वल टू ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स फाइव सॉरी फार्मूला क्या है ट्वेंटी एट पॉइंट सिक्स फाइव इस फार्मूले में मुझे क्या है आर मुझे चाहिए

स्पीड मेरे पास माइल में है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा 1.47 पॉइंट फोर सेवन वाला वन पॉइंट फोर सेवन वी इंटू टी प्लस वी आई स्क्वेयर माइनस वी एफ स्क्वेर डिवाइड बाय थर्टी इंटू एफ अच्छा टेरेन uh, लेवल है तो वो तो प्लस माइनस की भी बात नहीं आएगी और जी भी जीरो आएगा तो आप जी को डायरेक्टली जीरो पुट कर सकते हैं प्लस माइनस में बीच में खत्म हो जाएगा एफ की जगह जीरो पॉइंट थ्री फोर सेवन पुट करें स्पीड की जगह सेवेंटी पुट करें टी की जगह टू पॉइंट फाइव पुट करें शाबाश एस एस डी निकाले वो यहां पे पुट करें और आर भी निकालें यहाँ पे पुट करें तो एस एस डी की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास शाबाश इस तरह कैलकुलेट करके मुझे बताएं और आर की वैल्यू क्या आ रही है वो भी बताएं सर ये वी आई को जीरो पुट करेंगे क्या चीज किसको जीरो पुट करेंगे व, वी आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर तो आपके पास सेवेंटी है ना वी एफ एस वी आ, एस डी एस ना आप मालूम कर रहे हैं एस एस डी जब भी आप मालूम करते हैं तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस में फाइनल स्पीड आपके पास जीरो होती है जी सर जी सर शाबाश

शाबाश नाइन फिफ्टी फाइव ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उसने आंसर निकाल लिए विच इज़ नाइन नाइन फिफ्टी फाइव ठीक है तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ नाइन फिफ्टी फाइव एस एस डी यहाँ पे आएगा नाइन फिफ्टी फाइव विच इज आपके पास आर ठीक है एस एस डी आपके पास क्या आ रहा है में में आप करें, करें ठीक है है कुछ students ने तो निकाल भी लिया बट लेट मी चेक कौन कौन से students ने निकाला शाबाश करें ठीक है कुछ स्टूडेंट्स ने फाइंड किया है और कर भी रहे बट क्विट बी क्विक वेरीफाई करें कि सेम आंसर है या ठीक है या ठीक नहीं है

जी बी क्विक शाबाश गिव मी द वैल्यू ऑफ एस एस डी जी शाबाश फायजा ने तो ऐसे सो भी फाइंड कर लिया गुड गुड शाबाश 7.27.6 ट्वेंटी ग्रेट ग्रेट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट किया है G727, 726, Takriban, Asad, Javed, MashaAllah, all students, uh, they have calculated the answer. ओके okay, तो शाबाश ये एच एचेस, एच एस ओ आपने एस एस डी आपने कैलकुलेट कर लिया विच इज 727 तो अभी मुझे एच एस ओ भी फाइंड करके दें गिव मी एच एस ओ सिक्सटी सर 68. एट पॉइंट ग्रेट ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट शाबाश मैं जरा इसमें लिख देता हूँ ये आंसर आपके 727 आपके पास आंसर है 727 ट्वेंटी इज द आंसर फॉर एस एस डी ठीक है 727 यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास एचएसओ जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 68 पॉइंट समथिंग फीट ठीक है 68 फीट आ रहा है ठीक है अराउंड अबाउट अब इस 68 फीट का मतलब क्या है व्हाट व्हाट डस दिस 68 फीट मीन्स uh, 68 फीट का मतलब क्या है मतलब ये है कि ये जो कर्व आपके पास है नेक्स्ट स्लाइड में आपको एक नया स्लाइड ओपन करके देता हूं ये जो कर्व आपके पास है ये चाहे उसकी जितनी भी लेने हैं ठीक है क्योंकि लेनों का जिक्र क्वेश्चन में नहीं है इस वजह से उन्होंने डायरेक्टली जो रेडियस मुझे दिया है वो सेंटर लाइन ऑफ द इनर मोस्ट लेन से दिया यहां पे इस क्वेश्चन में देखें जो अब मुझे रेडियस मिला है वो सेंटर लाइन ऑफ द इन साइड लेन से दिया है डायरेक्टली यानी जो रेडियस है वो जितनी भी लेने हैं उससे आगे हमें मेरा कोई लेना देना नहीं है उन्होंने मुझे जो आखिर लेन है उसके सेंटर लाइन से ही रेडियस दिया है तो ऑलरेडी मेरा काम आसान है आगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि जो एक्चुअल रेडियस होता है वो बेसिकली रोड के मिडल से होता है यानी अगर ये रोड ऑफ़ द रोड है तो आर आपके पास यहां तक होता है यहां से होता है ठीक है लेकिन हम इस क्वेश्चन में आर जो यूज करेंगे वो जो इनर मोस्ट लेन है उसके सेंटर से हम आर लेते हैं ये वाला आर ये जो आरडेश है तो ऑलरेडी क्वेश्चन में उन्होंने दिया है, है? ठीक अब इस इस यहां से फीट के अंदर अंदर फॉर एग्जाम्पल ये मैं इधर से लेता हूं कि ये जो है थ्रोट सिक्सटी एट फीट बनता है ये सिक्सटी एट है ये सिक्सटी एट है इनर मोस्ट लेन से इनर मोस्ट लेन से ये सिक्सटी एट फीट का रेडियस आपके पास आता है ये ठीक है ये लेंथ आपके पास कितना बनता है सिक्सटी एट ये भी 68 ये सारा तो ये सारा का सारा जो 68 फीट का रीजन है इसमें ये कंप्लीटली क्लियर होना चाहिए आपके पास अगर ये पूरा का पूरा 68 फीट क्लियर है तो इसका मतलब क्या है कि एस डी कंप्लीटली विजिबल है और यहां पे जो गाड़ी मूव कर रहीगी वो एस डी के लेंथ के बराबर उसको डिस्टेंस क्लियरली नजर आएगा एंड द कर्व वुड बी कंप्लीटली सेफ ठीक है अगर नजर नहीं आ रहा फॉर एग्जाम्पल यहां तक कोई कमर्शियल प्लाजा है जो जो कि इधर एक प्लाजा बनाया गया है ठीक है एक बहुत बड़ा प्लाजा है ये अब आपने प्लाजा पूरा का पूरा रिमूव नहीं करना या आपकी यहां पे कोई पहाड़ी है ठीक है यहां पे कोई पहाड़ी है तो उस पहाड़ी को कितना आपने रिमूव करना है इतना रिमूव करना है क्योंकि सारी पहाड़ी तो आप रिमूव नहीं कर सकते तो आपने चेक करना है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहां इस पहाड़ी तक जो है वो 38 फीट डिस्टेंस क्लियर है लेकिन बाकी जो बीस फीट है वो क्लियर नहीं है तो मैं एटलीस्ट बीस फीट तक ये पहाड़ी को यहां से रिमूव करूंगा कट करूंगा ताकि मुझे मिनिमम ऑफ सिक्सटी एट फीट का डिस्टेंस क्लियर हो जाए इज दैट क्लियर तो ये मिनिमम डिस्टेंस है इससे कम जो है वो नहीं होना चाहिए विजिबल इससे ज्यादा अगर आपके पास सिक्सटी एट है रिक्वायर्ड सिक्सटी एट है

जो एक्जेक्टली ये मैं ये तो मैंने आपको देखिए पिछली क्लास में जब एचएसओ में मैं आपको एसएसडी समझा रहा था ना तो एसएसडी को प्रोवाइड करने का तो, क्या तरीका है हॉरिजॉन्टल कर्व पे कि आप ऑब्स्ट्रक्शन को रिमूव करते हैं लेकिन अगर आप ऑब्स्ट्रक्शन को किसी वजह से रिमूव नहीं कर पाते नहीं कर सकते ऑब्स्ट्रक्शन रिमूव तो फिर तरीका क्या है फिर तरीका ये है कि वहां पे आपने डिजाइन स्पीड को कम करना होगा आप डिजाइन स्पीड कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके इस पास इस इस डी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी और ये जो विजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है वो भी खुद खुद कम हो जाएगी क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. जी एनी क्वेश्चन any मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ ताकि आपके पास लेक्चर में रिकॉर्डिंग कंप्लीट